तुम भाई देख रहे हो ना गली कितनी छोटी छोटी गली है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छा होंगे। तो मैं आ चुका हूँ मुंबई के धारावी इलाके पे। दोस्तों आज मैं मुंबई धारावी घूमने वाला हूँ और यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं, ब्लॉग देखे हैं, उस पर सुने हैं काफ़ी छोटी छोटी गली है और काफ़ी छोटे छोटे घर हैं जिसपे एक रूम पे 7 से 8 लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये सब इस ब्लॉग में आपको काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं चलता हूँ मुंबई के धारावी में। तो आ चुका हूँ, अब इधर का गलियाँ घुसना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, अंदर देखना चाहता हूँ कि कैसा है नहीं है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों ये जो देख रहे हो ये माहिम का स्टेशन है। जस्ट अभी स्टेशन से बाहर निकला हूँ और ये जो देख रहे हो ये पब्लिक ब्रिज है। तो अभी इधर से ईस्ट में जा रहे हैं और ईस्ट में जाने के बाद उधर से धारावी जाएंगे। तो ये ईस्ट का नज़ारा आप सभी को ये पूरा दिख रहा है और ये ईस्ट में जाओगे तो आपको ये ब्रिज दिख जाएगा जिस पर पब्लिक चलती है और इधर से उतरते हैं। तो चलते हैं, अभी उतरते हैं इधर से। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ धारावी और यहाँ पर मेरे एक पहचान वाला दोस्त रहते हैं जिसका नाम है दीपक। तो ये मिले हैं तो अभी इनके साथ घूमता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बाकी चलता हूँ इनके साथ घूमता हूँ। तो किधर चले भाई? अभी आगे आगे चलते हैं, इधर गली है, ये देख रहे हो ना, ये धारावीर है भाई। तो अभी चलता हूँ इधर। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये है धारावीर और अभी गली में जाएंगे और गली का पूरा आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ना तो गली काफ़ी छोटा छोटा है, बाकी आपको दिख रहा होगा इधर भी घर दिख रहा होगा और ये साइड भी आपको घर दिख रहा होगा। तो मैं आ चुका हूँ धारावी एरिए में। तो अभी चलेंगे गली के अंदर और इधर देख रहे हो ना किस तरह से दिख रहा है, इधर छोटी छोटी आपको घरें दिख जाएगी जो कि काफ़ी छोटी छोटी है। इधर इमारत आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा और इधर देखेंगे तो गली देख सकते हो ना, इधर अंदर गली है। तो चलिए यही गली में चलता हूँ अंदर और आपको पूरा इधर का दिखाता हूँ कि इधर किस तरह सा है। बाकी आप देख रहे हो काफ़ी छोटी छोटी गली है इधर और यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटा छोटा रूम ही दिखेगा, यहाँ पे आपको इमारत वगैरह नहीं दिखेगा। ये है धारावी भाई, इसके लिए यहाँ पे इमारत दिखना इम्पॉसिबल। बाकी दूर तक जाओगे तो आपको इधर दिखेगा बहुत सारा चीज़ दिखेगा, इमारत दिखेगा, लेकिन ये साइड में आपको नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो ना ये छोटी छोटी गली है, देख सकते हो, चले अंदर इस तरह। सो गाइस, सो दोस्तों ये देख रहे हो ना ये है धारावी की वो गलियाँ जिसमें भी जा रहा हूँ भाई। तो इधर किधर तक जाते हैं छोटू अंदर? किधर तक जाते हैं अंदर गली? क्या ये देखे हैं, चलिए बाकी इनके साथ जाता हूँ। ये देख रहे हो ना किस तरह से छोटी छोटी गली है। या भाई ब्लॉग ले ले भाई ब्लॉग। तो भाई देख रहे हो ना गली कितनी छोटी छोटी गली है, मतलब भाई जिधर देखोगे उधर गली दिख जाएगी आपको, इधर भी गली है और इधर भी गली है। तो ये धारावीर में अभी घूम रहे हैं हम लोग, ये जो देख रहे हो ना ये पूरा धारावीर का एरिया है। तो चलिए चलता हूँ और आप सभी को इधर से दिखाता हूँ मैं। तो चलता हूँ आगे और इधर का दिखाता हूँ पूरा। ये देख रहे हो धारावीर में कितनी छोटी छोटी रूमें हैं। भाई देख रहे हो दो महला का दिखेगा, 2 से 3 मंजिला दिख जाएगा आपको, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिला से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा देख रूम। ये है धारावीर के रूम में छोटी छोटी, जो कि अभी फिर से इधर निकल जाएंगे कोई अदर गली में, कोई अलग गली में। दोस्तों अभी थे गली के अंदर और आ चुका हूँ गली के बाहर। तो आपको ये सब इमारत वगैरह दिखेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिला दिखेगा आपको। बाकी अभी मैं चलता हूँ इधर और आपको दिखाता हूँ इधर का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। बाकी देख रहे हैं ना ये है पूरा धारावी, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महला का दिख जाएगा। यहाँ पे किसी से बात करने का कोशिश भी करता हूँ, बाकी किधर चलेंगे उधर चलता हूँ अंदर। सो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ रूम पे, मेरे साथ में मेरा जो दोस्त था जिसका नाम था दीपक, उसका तबीयत ख़राब हो चुका था इसके लिए ब्लॉग अच्छा से नहीं बना पाए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं एक बार फिर से जाऊँगा और आप सभी को अच्छे से दिखाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा पूरी अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी डालूं तो आप देख सको। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।